दोस्तों जय श्री राम, जय श्री हनुमान। नीप खरोरी महाराज जी का कहना था कि जो गौ माता की सेवा करता है और उनका अनुगमन करता है, संतुष्ट होकर गौएं उसे अत्यंत दुर्लभ वर प्रदान करती हैं। गौओं को सदा सुख पहुँचाएँ, उनके साथ कभी मन से द्वेष ना करें, उनका सत्कार करें, प्रणाम आदि के द्वारा उनका पूजन करते रहें। जो मनुष्य जितेंद्रिय और प्रसन्नचित होकर नित्य गौओं की सेवा करता है, वह समृद्धि का भागी होता है। दोस्तों, अगर आपके पास लंपी वायरस से बचने के बचाव के कुछ उपाय हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि आपके ये सुझाव ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। और अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नीचे बने बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि आगे आने वाली हमारी हर वीडियोस का नोटिफिकेशंस आप तक पहले ही पहुँच जाए। माउंट आबू ब्रह्मा कुमारी जी के एक प्रोग्राम में अपने प्रवचन के दौरान 108 फुट संकट मोचन धाम के महंत श्री ओम गिरी जी महाराज ने जब वहाँ पर गौशाला देखी तो उनसे रहा नहीं गया। वो बीच प्रोग्राम में गौशाला गए और वहाँ जितनी भी गायें थी उनको अपने हाथों से भोजन करवाया और उनकी सेवा की। गायें बोल नहीं सकती, लेकिन उनका दुख, उनकी तकलीफ हमें महसूस करनी चाहिए। दोस्तों, आज के समय में लगता है लोगों ने गौ माता को तो दिलों से ही निकाल दिया है। आज लोग भगवान श्री कृष्ण की कथाएं तो सुनते हैं, मंदिरों और घरों में भी उनको पूछते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण ने जो किया वो करना नहीं चाहते। भगवान कृष्ण ने गौ माता की बहुत सेवा की। खाली गौ माता के जयकारे लगाने से कुछ नहीं होगा, गौ माता की दिल से सेवा करो। दोस्तों, अगर आपके पास लंपी वायरस से बचने के बचाव के कुछ उपाय हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि आपकी ये सुझाव ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। और अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नीचे बने बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि आगे आने वाली हमारी हर वीडियोज़ का नोटिफिकेशंस आप तक पहले ही पहुँच जाए।